गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारबी तालुक ऑनलाइन स्ट्रिप में। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से आप सभी की तैयारी भी हो रही होगी। आज से आपको कुछ क्लासें रिकॉर्डेड दी जा रही हैं। होली की छुट्टी है, इस अवसर पर आपको ये क्लासें रिकॉर्डेड दी जा रही है, ठीक है। कल के क्लास में मैंने आपको पृथ्वी की गतियां पढ़ाया था और आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर। इस टॉपिक को समझना है, यहां से कोई भी परीक्षा हो, आप छोटी सी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा देखिएगा, यहां से प्रत्येक परीक्षा में एक से दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारी चीजों का बेस है, जैसे जलवायु पढ़ेंगे आप, मौसम पढ़ेंगे, मृदाएं पढ़ेंगे, तापमान के वितरण को पढ़ेंगे, वायुमंडल को पढ़ेंगे, तो इन सब टॉपिक का ये क्या है, बेस है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो यहां से आप कई सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लोब, ग्लोब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अक्षांश देशांतर हमारा टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वह आधारित है किस पर, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा, अक्षांश एवं देशांतर। यहां देखिएगा, अक्षांश एवं देशांतर की बात करते हैं, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले मैं अक्षांश समझाता हूं आपको, अक्षांश क्या है। यहां देखिएगा, यहां पर मैं एक पृथ्वी का छोटा रूप बना लेता हूं। पृथ्वी के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के छोटे रूप को हम ग्लोब कहते हैं। यहां पर हमने क्या बना दिया, ग्लोब बना दिया। ग्लोब में यहां पर बीचों बीच में, ग्लोब में यहां पर क्या है, तो ग्लोब के बीच में यहां पर सेंटर है। यहां पर क्या है, सेंटर है, यहां पर केंद्र है, और केंद्र थोड़ा यहां बनाते हैं, ये रहा केंद्र, ठीक है। यहां पर क्या है, सेंटर है। इस सेंटर पर हमने प्रकाल समझते हैं, प्रकाल, प्रकाल के माध्यम से चाप खींचे जाते हैं। प्रकाल जो होता है, प्रकाल के माध्यम से क्या खींचे जाते हैं, चाप खींचे जाते हैं। हमने यहां पर प्रकाल रखा और इस प्रकाल के माध्यम से, इस प्रकाल के माध्यम से यहां पर एक चाप खींच दिया इस प्रकार से, ठीक है। हमने यहां पर प्रकाल रखा, यहां पर भी एक चाप खींच दिया इस प्रकार से। इन, इसको जो ये चाप है, इसको हमने यहाँ केंद्र से मिला दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने केंद्र से मिला दिया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, एक काल्पनिक रेखा। अब आप देखेंगे जो ये हमने एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया, इनके बीच में कोई ना कोई यहाँ पर कोण बन गया, है ना। यहाँ पर इनके बीच में कोई ना कोई क्या बन गया, एंगल बन गया, कोई ना कोई कोण बन गया। आपसे अगर मैं पूछूं रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा खींचने के लिए हमारे पास कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, रेखा खींचने के लिए हमारे पास कम से कम दो बिंदु होने चाहिए। तो आप देखिएगा, एक बिंदु हमें यहां पर मिल जाता है ये वाला चाप का, और एक बिंदु हमें इस साइड मिल जाता है इस वाले चाप का। इन दोनों बिंदुओं को जब हम आपस में मिला देते हैं तो एक ये रेखा बन जाती है, इसी रेखा को नाम दिया जाता है अक्षांश रेखा। इसी रेखा को क्या नाम दिया जाएगा, अक्षांश रेखा। ये तो हमने मैथमेटिक्स के तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। आपको इस प्रकार से नहीं समझना है, एक तो मैंने ये आपको थोड़ी सी समझ विकसित करने के लिए ऐसा हमने समझाया। देखिएगा, अगर हम अक्षांश की बात करते हैं कि सर अक्षांश में सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, अक्षांश क्या है, ठीक है, अक्षांश क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को, खींची गई कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश, अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी का केंद्र है, यहां से हमने एक कोण यहां पर खींचा, एक कोण वहां पर खींचा, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया तो इसको नाम दे दिया अक्षांश रेखा। केवल अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अक्षांश क्या है, तो आप बताएंगे अक्षांश एक प्रकार की कोणीय दूरी अर्थात एक कोण है। आप बताइएगा, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कोण की इकाई क्या होती है, जो एंगल होते हैं उनकी इकाई क्या होती है, तो आपने सुना होगा या जानते भी होंगे आप लोग,
कोण की इकाई सबसे बड़ी इकाई होती है डिग्री, बोलते हैं ना 30 डिग्री का कोण खींचा गया, 45 डिग्री का कोण खींचा गया, 90 डिग्री का खींचा गया, है ना। तो जो इकाई होती है कोण की, जो इकाई होती है वो सबसे बड़ी इकाई होती है डिग्री, डिग्री से छोटी इकाई होती है मिनट, और मिनट से एक छोटी इकाई होती है सेकंड। तो अब हमने कहा कि अक्षांश एक कोणीय दूरी है, तो अक्षांश को हम व्यक्त किसमें करेंगे, अर्थात अक्षांश की अगर इकाई की बात करें कि सर अक्षांश की इकाई क्या होगी, तो अक्षांश की जो इकाई होती है समझिएगा वो सबसे बड़ी इकाई होती है डिग्री, और डिग्री को कैसे लिखते हैं, तो डिग्री को इस प्रकार से लिखते हैं, मान लीजिएगा एक्स कौन है तो उसकी डिग्री, है ना। तो डिग्री को इस प्रकार से लिख दिया, डिग्री के से छोटी इकाई होती है क्या, डिग्री से छोटी इकाई होती है मिनट, और मिनट को प्रदर्शित करने का तरीका ऐसे होता है, और मिनट से छोटी इकाई क्या होती है, मिनट से छोटी इकाई होती है सेकंड, और सेकंड को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो डिग्री है, मिनट है, और क्या है, सेकंड है, डिग्री मिनट और सेकंड किसकी इकाई है, ये अक्षांश की इकाई है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो अक्षांश की हमें डेफिनेशन पता चल गई। अक्षांश पृथ्वी के परिधि पर खींचा जाएगा और इनको आपस में क्या कर देंगे, इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। जब इन बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो इस पृथ्वी पर जो भी अक्षांश रेखा है, मान लीजिएगा हम अंगला कोण यहां पर खींचते हैं, यहां पर दो, और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो पृथ्वी पर जो भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वो सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी, वो सभी अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होंगी। तो अब अक्षांश रेखाओं की एक नई डेफिनेशन आ गई, अगर ये याद नहीं होती है कि पृथ्वी पर खींची गई, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। इसके आगे बढ़ जाते हैं हम, इसके आगे देखिएगा, अगर अक्षांश रेखा की बात करें, लेटिट्यूड लाइंस, अक्षांश रेखा बात करते हैं किसकी, अक्षांश रेखा की। अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो देखिएगा, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो भी क्षैतिज रेखाएं खींची जाएंगी वो सभी क्षैतिज रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, वो सभी क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां पर हम पृथ्वी बना देते हैं, ये है पृथ्वी यहां पर, ठीक है, यहां पर पृथ्वी है और यहां पर रेखाएं खींचते हैं, तो यहां पर एक रेखा खींचते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है यानी विषुवत रेखा है, नाम अभी बताएंगे, एक यहां पर रेखा खींच देते हैं, यहां पर रेखा खींच देते हैं, यहां पर रेखा, इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है। कैसी रेखाएं खींची जा रही है, क्षैतिज, जो बीच वाली रेखा है इसका मान है 0 डिग्री अक्षांश, और नाम है इसका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विषुवत रेखा, या इसी को क्या नाम दिया जाएगा, या इसी को नाम दिया जाएगा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा का है या भूमध्य रेखा का है, ठीक है। अब यहां पर हमारी एक बात और समझिएगा, चाहे तो रेखा कहें या वृत्त कहें यानी सर्कल कहें, एक ही बात है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और जब गोल वस्तु पर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे चारों ओर उसके, तो वो कैसी बन जाएगी, वो वृत्त के आकार की बन जाएगी, अर्थात कैसी बन जाती है, वृत्ताकार। देखिएगा यहां पर, ये आपके सामने एक हमने पृथ्वी लगाई है, यहां पर जो डॉट डॉट करके रेखा जा रही है इक्वेटर है, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, अर्थात विषुवत रेखा है। यहां पर देखिएगा जो भी लाइनें इस प्रकार से खींची जा रही है, अगर ये पूरी पृथ्वी पर खींची जाएंगी तो इस प्रकार से गोल रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से वो कैसी रहेंगे, वो इस प्रकार से गोल रहेंगे। तो चाहे तो हम रेखा बोलें, चाहे क्या बोलें, वृत्त बोलें, ठीक है। सो समझ कर बताइएगा, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये भी बाद में बताएंगे, अगर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उन सभी रेखाओं में
जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है और पृथ्वी गोलाकार है और कोई भी गोलाकार वस्तु होगी या कोई भी अंडाकार वस्तु होगी उसके बीच का भाग हमेशा चौड़ा होगा, ऊपर और नीचे वाले भाग हमेशा कैसे होंगे, सकरे होंगे यानी संकुचित पाए जाएंगे। तो एक यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा अक्षांशीय वृत्त या रेखा कौन सी है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा को ही कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा और विषुवत रेखा को ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। सबसे लंबा अक्षांशीय वृत्त है, चाहे तो अक्षांशीय वृत्त कहें सर्किल या इसी को हम रेखा भी कह सकते हैं, अक्षांशीय वृत्त या अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, एक एक से चीजें आपको समझना है। ठीक है, अभी तक हमने अक्षांश पढ़ा, अक्षांश क्या है, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, अर्थात अक्षांश एक कोण है और कोण होने के कारण से डिग्री मिनट या फिर सेकंड में मापते हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं और एक काल्पनिक रहेंगी, मतलब आप ये हमसे नहीं कह सकते हैं कि सर चलिए हमें 0 डिग्री आप पकड़ के दिखाइए, नहीं पकड़ के नहीं दिखा सकता हूं, काल्पनिक है मान लिया गया। ठीक है, तो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सबसे लंबा जो अक्षांश रेखा है, सबसे लंबा अक्षांशीय वृत्त है, वो आपका विषुवत रेखीय वृत्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का उपयोग करना है और हमें बताना है, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी पृथ्वी बना दी हमने और इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींच देते हैं डॉट डॉट करते हुए या ऐसे सिंपल खींच देते हैं, एक रेखा है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, कौन सी रेखा है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, अच्छे समझिएगा 0 डिग्री अक्षांश, इसे को नाम दिया गया भूमध्य रेखा, क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं इक्वेटर, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर जो शब्द है वो इक्वल शब्द से मिलकर बना है, इक्वल का मतलब होता है बराबर भाग, इक्वल का मतलब होता है दो बराबर भाग, तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो, उस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के ऊपर वाला जो आधा भाग है, इस रेखा के ऊपर वाले आधे भाग को एक नाम दिया जाता है नॉर्थ होमोस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ होमोस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो आधा भाग है इसको नाम दिया जाता है साउथ होमोस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक उत्तरी गोलार्ध है तो एक कौन सा गोलार्ध है, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को हम बार बार उत्तरी गोलार्ध नहीं लिखेंगे, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे और एन मतलब नॉर्थ और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से, एस मतलब साउथ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर पृथ्वी पर यहां पर प्रकार रख के सबसे ऊपर जो रेखा खींचेंगे ये यहां से ऐसे अगर मिला दें डॉट डॉट, तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, अर्थात यहां जो सबसे ऊपर जो रेखा होगी या सबसे ऊपर जो बिंदु होगा वो होता है 90 डिग्री। इस प्रकार यहां पर भी सबसे दक्षिण में जो रेखा होगी वो होगी 90 डिग्री एस, एस का मतलब इस दक्षिणी गोलार्ध में है और ये एन हो जाएगी, एन का मतलब कहां पर है, एन का मतलब है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ये हमने बना दिया, आपको इतना याद रखना है यहाँ पर 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, अंतर है ऊपर वाला एन होगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला एस होगा क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब 0 डिग्री अक्षांश तो 0 डिग्री पर खींची गई है, अब 0 डिग्री के बाद यहां से अगर रेखा खींचेंगे 1 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर, तो इस प्रकार से यहां पर रेखाएं खींची जाएंगी। मान लीजिएगा 1 डिग्री है यहां पर, मान लीजिएगा ये 2 डिग्री रेखा खींची गई,
यहां मान लीजिएगा 3 डिग्री रेखा खींची गई, यहां मान लीजिएगा 4 डिग्री रेखा खींची गई, ऐसे ही कहां तक रेखाएं खींच देंगे, 90 डिग्री तक, है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तर में खींची गई दक्षिण में भी खींचेंगे और कहां तक रेखाएं खींच देंगे, 90 डिग्री तक, कहां तक खींच देंगे, 90 डिग्री तक। अब आपको हमें काउंटिंग करके बताना है, अब आपको हमें काउंटिंग करके बताना है, ये जीरो है, जीरो के बाद एक है, दो है, तीन है, कहां तक जा रहे हैं, 90 तक। यहां पर भी जीरो है, उसके बाद एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, कहां तक जाएंगे, 90 तक। तो यहां से लेकर इस 90 डिग्री एन से लेकर इस 90 डिग्री एस तक कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी बताइएगा, 90 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री दक्षिण तक कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी बताइएगा कमेंट करके। आप लोग तो अभी हमारे सामने उपस्थित नहीं है, मैं बता देता हूं, जीरो के बाद एक से लेकर 90 तक कितनी रेखाएं होंगी, 90 रेखाएं, और यहां पर भी जीरो से एक 90 तक कितनी रेखाएं होंगी, 90 रेखाएं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं होंगी, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं होंगी। एक से काउंटिंग करते हैं हम, यहां पर भी एक से काउंटिंग करेंगे तो 90 होंगी, और एक जीरो भी तो है, तो 90 यहां पर, 90 यहां पर, और एक जीरो, इसको मिला लेंगे तो 90 और 90 180 और एक 0 डिग्री, इसको भी एक रेखा मानेंगे, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या आ जाएगी 181। तो अगर हम कहें कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो आपको बताना है कि जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है, 181। अब देखिएगा, कई सारे विद्वान, कई सारी किताबें यह कहती हैं कि जो 90 डिग्री एस है और जो 90 डिग्री एन है, ये अक्षांश रेखाएं नहीं है बल्कि ये बिंदु है, ये अक्षांश रेखाएं नहीं है बल्कि ये क्या है, बल्कि यह बिंदु है, इसलिए इनको अक्षांश रेखा के तौर पर उपयोग में नहीं लाते। अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो आप इसमें से दो, 181 में से दो माइनस कर दीजिएगा, संख्या आ जाएगी 179। लेकिन एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछा है इससे संबंधित, वो हमेशा 181 को ही मान्यता दिया है। अगर 181 नहीं ऑप्शन में मिलेगा तो आप किस ऑप्शन में चले जाएंगे, 179। सर कहां से आया है, 181 में से 90 डिग्री एन एक और 90 डिग्री एस इस दो को माइनस कर देंगे, तो 181 में से दो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो संख्या आ जाएगी 179। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। ठीक है, देखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी अक्षांश रेखा है, मान लीजिएगा एक ही है, एक यहां पर इस प्रकार से, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची जा रही है, तो कोई भी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, दूरी होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, दूरी होगी। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अगर बात की जाए किसकी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की, तो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। लेकिन याद रखिएगा, ये कौन सी अक्षांश रेखा होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब ये है कि अगर एक अक्षांश रेखा दो है तो उसके बाद अगली अक्षांश रेखा तीन होनी चाहिए, अगर एक तीन है तो अगली चार होना चाहिए, दो और तीन के मध्य में 111, तीन और चार के मध्य में 111। आप इसका मतलब ये मतलब लगा लीजिएगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कहा गया एक अक्षांश रेखा 6 है और एक अक्षांश रेखा 12 है, बताइए बीच की दूरी सर 111। नहीं, क्रमांगत होनी चाहिए, 6 और 7 के बीच में 111, 7 और 8 के बीच में 111, 8 और 9 के बीच में 111। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि दो क्रमागत अक्षांश रेखा, मतलब क्रम से होनी चाहिए, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो सर ये होती है दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब अगर अक्षांश रेखाएं हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच में कुछ दूरी है, अगर इनके बीच में कुछ दूरी है तो उसके बाद इस क्षेत्र को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र है, दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है, इस बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, और इस बीच वाले क्षेत्र को नाम दिया, सॉरी
इस बीच वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है कटिबंध। इस बीच वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, तो इस बीच वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है कटिबंध, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, जेड ओ एन ही। तो यहां पर हम लिख देते हैं अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जेड ओ एन ई जोन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जेड ओ एन ई जोन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में इतनी सारी जानकारी याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चाहे इनको बना लीजिएगा, जो अनावश्यक चीजें हैं उनको हम मिटा देते हैं, जैसे ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, फिर से हम आपके लिए एक पृथ्वी बना देते हैं, अब इस पृथ्वी पर हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को बनाते हैं कि कौन कौन सी सर हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा बनाते हैं, और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का मान तो हम बता चुके हैं 0 डिग्री है। इसका नाम है विषुवत रेखा। इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहिएगा, या इसी को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके बाद एक लाइन यहां पर होती है, इस लाइन को हम कर्क रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या नाम दिया जाता है, कर्क रेखा नाम दिया जाता है। कर्क रेखा के अगर मान की बात करें तो 23.5 डिग्री N होता है, 23.5 डिग्री N। उसके बाद एक रेखा यहां पर होती है, और इस रेखा को नाम दिया जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या नाम दिया जाता है, इस रेखा को नाम दिया जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 66.5 डिग्री N। इसका मान क्या है, तो इसका मान है 66.5 डिग्री N। और सबसे ऊपर जो रेखा होती है, इसे रेखा कहें या बिंदु कहें, 90 डिग्री N, इसको नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। क्या नाम दिया जाता है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। ठीक है, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल, विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये हमने उत्तरी गोलार्ध के लिखी। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है, यहां पर एक रेखा होती है। ठीक है, इस रेखा का मान भी सेम टू सेम है 23.5 डिग्री। यहां पर भी 23.5 था, यहां पर भी अंतर है, 23.5 डिग्री S है। और जो 23.5 डिग्री S रेखा है, इस रेखा को नाम दिया जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा नाम दिया जाता है। कौन सी रेखा नाम दिया जाएगा, तो ये जो रेखा है, इस रेखा को नाम दिया जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, उसके बाद एक यहां पर होती है, इसका मान है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री S। यहां पर N था, यहां पर S है, और इसको नाम दिया जाता है अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका। क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है अंटार्कटिका वृत्त। तो अंटार्कटिका वृत्त का मान कितना है, अंटार्कटिका वृत्त का मान है 66.5 डिग्री S। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक होता है सबसे नीचे 90 डिग्री S, और 90 डिग्री S को क्या नाम दिया जाएगा, 90 डिग्री S को नाम दिया जाएगा दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री S को क्या नाम दिया जाएगा, तो 90 डिग्री S को नाम दिया जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं 7। ठीक है, इनको याद रखना। देखिएगा, मान एक समान है 23.5 23, अंतर N का है और S का। जो उत्तरी गोलार्ध में उसे हम N कहेंगे, और जो दक्षिणी गोलार्ध में उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम S कहेंगे। तो ये 7 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आपको याद रखनी है। कैसे अभी इनका उपयोग करेंगे, अभी हम समझाएंगे आपको। ठीक है, कैसे उपयोग करना है अभी हम समझा देंगे। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अक्षांश रेखाओं के बाद हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण कटिबंध। सर, महत्वपूर्ण कटिबंध कौन कौन से हमारे पास, कटिबंध किसे कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं एक एक से बनाता हूं। ए पृथ्वी हमारे पास,
और इस पृथ्वी पर यहां से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है इस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, विषुवत रेखा। यहां पर एक रेखा है, विषुवत रेखा हो गई, और एक रेखा यहां पर है और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यहां पर कौन सी रेखा है? तो यहां पर है कर्क रेखा, और यहां पर एक रेखा हो जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम मकर रेखा, कर्क और मकर। तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र है, कौन से किसके बीच का क्षेत्र है? कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, मतलब ये जो क्षेत्र है कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये वाला। तो कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है उष्णकटिबंध, टेम्परेट जोन। उष्णकटिबंध, जहां पर वर्ष वर्ष सूर्य की किरणें पड़ती हैं, टेम्परेचर अधिक रहता है। तो आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा, उष्णकटिबंध कहां पाया जाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम बना देते हैं। ये देखिएगा, एक फिर से हमने पृथ्वी बनाई। अब यहां पर ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा, यहां पर एक रेखा है कर्क रेखा, यहां पर एक रेखा है कर्क, ठीक है, और कर्क रेखा के ऊपर यहां पर एक वृत्त है और इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। अभी अभी बताए हैं आपको, यहां पर कौन सा वृत्त है? ये आर्कटिक वृत्त है। बताइए कर्क रेखा का मान कितना? तो सर कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री, कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री एन, और आर्कटिक वृत्त का मान, आर्कटिक वृत्त का मान है 6.5 डिग्री एन, 23.5 डिग्री एन, 6.5 डिग्री एन। तो कर्क रेखा से जो आर्कटिक वृत्त, यानी 23.5 से 6.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, 23.5 से 6.5 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र होता है, इस वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया जाता है इसको? नाम दिया जाता है उपोष्ण, या फिर इसी को क्या नाम दिया जाएगा, या फिर इसी को नाम दिया जाएगा शीतोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। तो अगर हम आपसे पूछें कि उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर 23.5 डिग्री एन से लेकर 6.5 डिग्री एन। अब मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर भी तो अगर आप देखेंगे दक्षिण में, यहां पर भी तो 23.5 डिग्री है, और यहां पर जो 23.5 डिग्री है वो ऐसे अर्थात कौन सी रेखा है? अर्थात मकर रेखा। और मैं कहूंगा कि यहां पर भी एक और है 6.5 डिग्री, यहां पर 6.5 था, यहां पर भी 6.5 है, ये एस है, अर्थात ये कौन सा है? अर्थात ये अंटार्कटिका है। कौन सा है? तो ये अंटार्कटिका वृत्त है या नहीं है? तो ये जो बीच का क्षेत्र है, इसका नाम क्या है? इसका नाम, तो इसका भी नाम यही है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात उपोष्ण या जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं वो 23.5 से 6.5 होते हैं। उत्तर गोलार्ध में रहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे, तो इनको नाम दिया जाएगा उत्तरी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी गोलार्ध में अगर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो इसे नाम दिया जाएगा दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, उत्तरी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, इनको हम थोड़ा सा यहां पर एक साइड कर देते हैं। ठीक है, साइड में तो होना संभव नहीं है, मैं दूसरा ले लेता हूँ, दूसरा पेज ले लेता हूँ। चलिए, यहां देखिएगा, फिर से हमने एक पृथ्वी बनाई, अब और बड़ी बनाएंगे। यहां पर एक रेखा है, अभी अभी बताए हैं आपको, यहां पर एक रेखा है 6.5 डिग्री एन, और यहां पर एक रेखा है 90 डिग्री एन। 90 डिग्री एन को क्या नाम दिया जाता है? 90 डिग्री एन को नाम दिया जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या नाम दिया जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और इसको नाम क्या दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। उत्तरी ध्रुव है एक, और एक क्या है? आर्कटिक वृत्त। तो यहां पर भी दक्षिण में भी है 6.5 डिग्री एस, और 6.5 डिग्री एस को क्या कहेंगे? यहां पर अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त। 6.5 डिग्री एस को क्या कहेंगे? अंटार्कटिका वृत्त।
और यहां पर जो 90 डिग्री एस है, 90 डिग्री एस को क्या कहेंगे, 90 डिग्री एस को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ए है। और यहां पर ए जो बीच का क्षेत्र बनता है, ए वाला जो बीच का क्षेत्र है, इसमें भी यहां पर जो बीच का क्षेत्र यानी 66.5 से 90 डिग्री, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में, इसको नाम दिया जाएगा, ये उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटबंध, उत्तरी शीत कटबंध इसका नाम हो जाएगा उत्तर, या उत्तरी शीत कटबंध इसका नाम हो जाएगा, और जो दक्षिण में है इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी शीत कटबंध, दक्षिणी शीत कटबंध। तो उत्तरी शीत कटबंध है एक, और एक कौन सा है, एक है आपका दक्षिणी शीत कटबंध, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो हमने देखिएगा अलग अलग आपको समझाए हैं, अगर इनको हम सम्मिलित रूप से समझाने का प्रयास करें तो देखिएगा ये हमारा मुख्य वाला है जो पहले हमने बनाया था। इसमें अगर हम कहें एक कर्क रेखा से मकर रेखा, ए वाला क्षेत्र, अगर हम इस वाले क्षेत्र की बात करें कि कर्क रेखा से मकर रेखा, तो आपको हमने पहले ही बताया है, अभी बताया थे आपको कि इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है उष्ण कटिबंध। उसके बाद 23.5 से 66.5 मतलब ए, तो ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या नाम दे देंगे, सॉरी इसको क्या नाम दे देंगे, इसी में अगर बना दें हम तो इसको क्या नाम दे देंगे, इसको उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। और उसके ऊपर 66.5 से 90 जो क्षेत्र होता है इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे शीत कटिबंध। अभी उत्तर में है तो इनके सबके आगे हम उत्तर लगा सकते हैं, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। उसी प्रकार नीचे बात करेंगे तो यहां पर भी है दक्षिण में उपोष्ण या शीतोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, ये कहां हो जाएगा, ये दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, और यहां पर हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा बताइएगा उष्ण का मतलब क्या होता है सर, उष्ण का मतलब होता है गर्म, और शीत का मतलब क्या होता है सर, शीत का मतलब होता है ठंडा। मतलब ये है कि जो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से यहां पर गर्मी अधिक रहती है, और जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी, जिस कारण से ध्रुवीय क्षेत्रों में चाहे उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण से यहां का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। कहने का तात्पर्य है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण से ही विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक रहेगा। एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जाती हैं 21 जून को, एक बार सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जाती हैं 22 दिसंबर को, है ना, कल वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो एक बार उत्तर में जाएंगे, एक बार दक्षिण, लेकिन इन वाले क्षेत्रों में कभी भी सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं, इसलिए यहां का टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो हमने अभी तक ये समझा, अभी तक हमने ये समझा है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि अगर मान लूं ये मेरी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यहां पर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से आप चाहें तो कहां की ओर जाइएगा, 90 डिग्री एन की ओर जाइएगा, या 0 डिग्री से आप कहां जाइएगा, 90 डिग्री एस की ओर जाइएगा। 0 डिग्री से चाहे 90 डिग्री एन की ओर चाहे 90 डिग्री एस की ओर, तापमान में क्या आएगी, तापमान में हमेशा कमी है, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर तो सीधी पड़ती हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, यहां सीधी और यहां तिरछी, ठीक है। अब बात आती है सर हम अक्षांश क्यों पढ़ते हैं, बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश क्यों पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे सर अक्षांश के द्वारा हम किसी भी स्थान का टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे अक्षांश में वृद्धि होती जाएगी, 0 डिग्री पर टेम्परेचर अधिक है, 0 डिग्री पर टेम्परेचर अधिक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी, और 0 के बाद 1 मिलेगा, मतलब जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके लिए, और फॉर्मूला बना दिया मैंने अक्षांश रेखा का मान, अक्षांश रेखा का मान, अक्षांश रेखा का जो मान है, अक्षांश रेखा का मान जो है उसका विपरीत संबंध होता है तापमान से, विपरीत संबंध होता है किससे, तो विपरीत संबंध होता है तापमान से, तो अक्षांश रेखा का विपरीत संबंध होता है तापमान से, ठीक है। तो 1/तापमान,
अक्षांश रेखा का मान जो है इसका विपरीत संबंध होता है किससे, तापमान से। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी, जैसे जैसे अक्षांश रेखा का मान घटेगा वैसे वैसे तापमान में वृद्धि आएगी। आपसे मैं कहता हूं कि दो शहर है आपके पास, एक ए नाम का शहर है, ए शहर है, और एक बी शहर है। एक ए शहर है और एक कौन सा शहर है, एक हमारे पास है बी शहर। ए शहर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 40 डिग्री उत्तर, और बी शहर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 8 डिग्री उत्तर। बताइएगा कहां पर तापमान अधिक होगा, कहां पर तापमान कम। कभी भी अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप इन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिएगा, 40 का मान अधिक होता है या 8, तो 8 छोटी संख्या है 40 बड़ी है, 8 इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो अक्षांश रेखा का मान किसका बड़ा, ए शहर का। अगर अक्षांश रेखा का मान अधिक है तो तापमान क्या होना चाहिए, तो तापमान यहां पर क्या होना चाहिए सर, यहां का टेम्परेचर कम होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग यहां का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। अब देखिएगा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर कहीं ना कहीं हमें 8 डिग्री मिलेगा, 8 डिग्री के ऊपर कहीं ना कहीं हमें कौन सा डिग्री मिल जाएगा, 40 डिग्री। तो जैसे जैसे 0 डिग्री से उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तापमान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, यहां का तापमान यहां के तापमान से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, तापमान की गणना करते हैं। भारत देश, अगर मान लीजिएगा हम ओरल समझाते हैं, अगर हम कहते हैं भारत देश है तो कोई ना कोई एक ऐसा अक्षांश होगा जो भारत के सबसे निचले पायदान से होकर गुजर रहा होगा, तमिलनाडु से। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट एन, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र से कौन सा गुजरता है, 37 डिग्री 6 मिनट एन। अब बताइएगा ए भारत का अक्षांश रेखा है कहां पर, ए भारत की अक्षांश रेखा है कन्याकुमारी पर, और ए भारत की अक्षांश रेखा कहां पर है, इंद्राकौल पर, जो भारत का सबसे उत्तरी स्थान है इंद्राकौल से होकर गुजरता है। ठीक है, बताइए कहां का टेम्परेचर अधिक, कहां का टेम्परेचर कम। आप देखेंगे कि इस अक्षांश रेखा का मान कम है, इसका अधिक है, तो जिस अक्षांश रेखा का मान सर कम होगा वहां का टेम्परेचर अधिक होगा, और जिसका मान अधिक होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो कन्याकुमारी का टेम्परेचर इंद्राकौल के टेम्परेचर से अधिक हो जाएगा। तो भारत देश के मानचित्र में अगर हम देखें तो यहां पर है 8 डिग्री कन्याकुमारी, जैसे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आती जाएगी, कमी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी और अक्षांश रेखा में क्या होती जाएगी, वृद्धि। तो अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाएं क्यों पढ़ते हैं, तो सर हम अक्षांश रेखा पढ़ते हैं तापमान की गणना के लिए, और तापमान के द्वारा आप वर्षा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, तापमान के द्वारा कृषि का प्रतिरूप ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा वहां का पानी गर्म होगा, पानी अगर गर्म होगा तो गर्म पानी का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, और जहां पर वर्षा होगी वहां पर कृषि अधिक मात्रा में की जाएगी, जहां पर कृषि अधिक मात्रा में की जाएगी वहां पर कच्चे माल का उत्पादन अधिक होगा। भाई अनाज अगर हम उगा रहे हैं तो अनाज का उपयोग क्या है, आटा बना सकते हैं हम, मैदा बना सकते हैं उससे, है ना, बिस्किट बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, कई टोस्ट बना सकते हैं, कई प्रकार की कई सारी चीजें बना सकते हैं उसके द्वारा, है ना। तो जहां पर हमें कच्चा माल मिलेगा वहां पर हम उद्योगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उद्योगों का विकास कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल का हो गया, हमारा जो टॉपिक है वो अक्षांश है, और हमारी जो कोशिश है, जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा ये है कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए। तो पहले हमने बेसिक समझाया फिर उसके बाद एडवांस, बात क्लियर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपके लिए निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है, जीएस एवं अन्य विषय के संबंधित होगा, जीएस एवं अन्य विषय से संबंधित एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अब इसके बाद जो है राजकुमार सर जुड़ेंगे आपके साथ, राजकुमार सर की क्लास यहां से बिगिन होगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके आगे का यानी देशांतर वाला टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा, यानी वो हमारी हेडिंग ही रहेगी देशांतर। ठीक है, ये आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद गौरव सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। अभी आपने देखा गौरव सर के माध्यम से आपने शानदार टॉपिक पढ़ा, और प्रीवियस में मैंने आप सभी को विटामिन के बारे में बताया था और ट्रिक के माध्यम से विटामिन पढ़ाने की कोशिश की थी। दोस्तों ध्यान रखना, मानव पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन। देखिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चूंकि जो श्रृंखला आपकी शुरू हो रही है ये बेसिक टू एडवांस है, बिल्कुल मतलब एकदम समझ लो कि जमीन से उठ करके आपको ऊपर पहुंचाएगी, जिसको कहते हैं फर्श से अर्श पर जाना, यह श्रृंखला है। तो अगर कोई बच्चा यह सोचता है कि मैंने यह तो पढ़ लिया है या मैंने नहीं पढ़ा है, जो पढ़ लिया उसके लिए भी महत्वपूर्ण है,
और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो लक्ष्य भेदी बाण है। तो दोस्तों प्रीवियस में विटामिन पढ़ा आप सभी ने, समझा अच्छी तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं अब से हम सभी लोग यहां पर प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, क्यों आवश्यक है, कितने प्रकार से प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, हमारे शरीर का जो हिस्सा है वो कितना परसेंट भाग प्रोटीन से बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं साथियों, बाल से लेकर के मसल तक, पेशियों तक, नाखून तक, ये सब हमारे प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। और ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोटीन बस केवल यही बाल में है, पेशियों में बस इतना नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन एंजाइम बनाता है, कुछ प्रोटीन हार्मोन का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप समझेंगे ना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है ना, ये भी प्रोटीन के कारण संभव हो पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों होती हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं प्रोटीन का। व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन आखिर है क्या, और इसकी खोज के बारे में सबसे दोस्तों पहले किसने, किस महोदय ने इसकी खोज की थी। तो आपने दो नाम सुने होंगे जिसमें बर्जीलियस और मूल्डर साहब का नाम, वर्जीलियस और मूल्डर बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला पॉइंट जो हमारा दोस्तों आ रहा है वो खोज का है। देखिए प्रोटीन की जो खोज है ना, इसकी खोज जे बर्जीलियस व मूल्डर साहब ने 1838 के आसपास की थी। 1838 के आसपास जे बर्जीलियस और मूल्डर साहब ने दोस्तों क्या किया था, प्रोटीन की खोज की थी, प्रोटीन का नामकरण किया था। क्योंकि प्रोटीन देखिए हमारी बॉडी के निर्माण के लिए, ऊतकों के निर्माण के लिए, घाव को भरने के लिए, शरीर के अंगों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही कारण है कि इसको हम एक नाम देते हैं दोस्तों, वह नाम क्या है, वह नाम है प्रथम स्थान पाने वाला आहार। शायद हम यह नाम किसी को नहीं देते हैं, प्रथम स्थान पाने वाला आहार, शायद ये नाम हम किसी और को नहीं देते हैं, लेकिन प्रोटीन को हम ये नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रथम स्थान पाने वाला आहार, इसके कार्य और इसकी उपलब्धता के आधार पर। अब प्रोटीन है क्या, प्रोटीन बनता कैसे है, अगर इस पर बात करी जाए तो देखिए जिस प्रकार से आपने देखा विटामिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, जिस प्रकार दोस्तों आपने आप आगे पढ़ोगे वसा भी इन्हीं से बनती है, बिल्कुल ठीक दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, ठीक उसी प्रकार से जो यहां पर प्रोटीन है, जो प्रोटीन को आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है यह भी कैसे बनता है, तो हम कहेंगे कैसे बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन व सल्फर। देखो सल्फर को ही हम गंधक कहते हैं, वह सल्फर युक्त क्या होता है, जटिल यौगिक है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, जटिल यौगिक है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर दोस्तों ये पूछता है आप सभी से कि नाइट्रोजन कितना होता है, तो मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें नाइट्रोजन होता है लगभग 16% के आसपास, 16% से 17% के आसपास। अच्छा कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा, मान लो अभी आप खाना पका रहे हो और दूध आपका गर्म हो रहा है, कभी कभी दूध जब बॉयल होता है तो वह इतना बॉयल हो जाता है कि दूध बाहर निकल जाता है और गिरने लगता है। जब दूध गिरता है ना, तो वह फ्लेम पर, जहां आग जल रही होती है फ्लेम, उस पर दूध गिरता है। जब दूध उस फ्लेम पर गिरता है, दूध महकता है, उस दूध में एक अजीब सी दुर्गंध आती है दूध के जलने के समय। या फिर आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति का बाल जलता है, नाखून जलता है, तो एक अजीब सी दुर्गंध वहां पर उत्पन्न होती है। आखिर यह सब है क्या, दुर्गंध कहां से आती है? दोस्तों प्रोटीन के जलने पर जो दुर्गंध आती है वह किसकी होती है, तो ध्यान देना दुर्गंध जो आएगी इसमें वह सल्फर की होती है। और सल्फर को हम क्या कहते हैं, सल्फर को ही हम गंधक नाम देते हैं। यह पॉइंट्स भी आप लोगों के संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे पॉइंट्स भी कई बार आ चुके हैं और आगे भी पूरी संभावना है आने की। तो दोस्तों प्रोटीन की खोज किसने की है, बर्जीलियस और मूल्डर ने। इसको हम प्रथम स्थान पाने वाला आहार नाम देते हैं, और प्रोटीन को आप जान ही रहे हैं कि ये दोस्तों कैसे बनता है। एक बात और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के विषय में, ही कहते हैं कि यह
20 प्रकार, 20 या 22 प्रकार, वर्तमान में 22 प्रकार बोलते हैं, तो यह 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। यह 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। अगर यह 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है, इस 20 प्रकार की इमिनो अम्ल में एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, 10 आवश्यक होती है और 10 अनावश्यक होती है। तो प्रोटीन जो होता है वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। हालांकि ये पहले की बात थी, अब के रिसर्च कहते हैं कि जो प्रोटीन होती है वह लगभग 22 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी होती है। तो जो भी 20 प्रकार का अमीनो अम्ल या 22 प्रकार का अमीनो अम्ल हमारी प्रोटीन का निर्माण करता है, एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों, यह इनमें से कुछ आवश्यक है कुछ अनावश्यक है। अगर हम 20 माने तो देखिए हम क्या बोलते हैं, इसमें हम एक बात कहते हैं 10 क्या है, 10 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन का निर्माण करती है और 10 अनावश्यक होती है, 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ये बात आप ध्यान देना। अब यहां पर देखिए सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वह तो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन को इकट्ठा करने वाला एक कोशिकीय अंग होता है राइबोसोम, इसके बारे में बताऊंगा मैं आप सभी को भी आगे चल करके। हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों ध्यान रखना आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं बनता, आवश्यक अमीनो अम्ल हमें प्रोटीन के विभिन्न प्रकार के स्रोत जैसे टोफू या फिर पनीर, मांस, एग वाइट, दूध, इन सबसे लेना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो अनावश्यक होता है हमारी बॉडी में बन जाता है, उसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। तो दोस्तों ये रहा प्रोटीन का, देखिए कहते हैं कि 10 प्रकार की अनावश्यक होती है एमिनो अम्ल और 10 दोस्तों क्या होती है, आवश्यक होती है। अब यहां देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रोटीन दोस्तों क्या होता है और इसको हम क्यों ग्रहण करते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स पूछता है। जानते हो एक बात जो इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर का 14 से लेकर के 17% भाग प्रोटीन से बना है। ये देखो रामबाण पॉइंट है, प्रोटीन से बना हुआ है। देख लो जितना पढ़ा देंगे हम लोग, अगर इसको पूरा अच्छे से पढ़ लोगे ना, या तो किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई कर जाओगे या तो हमारी तरफ फिर पढ़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए कहते हैं कि मानव शरीर का 14 से 17% भाग जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए मैंने कहा नाखून, त्वचा, मांसपेशियां, बाल, ये सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ना, ये हमें डेली की बेसिस पर इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम कितना प्रोटीन खाएंगे तो हमारे शरीर के जो अंग है वो नए नए अंग बनते रहेंगे, कटे फटे अंगों की मरम्मत होती रहेगी। दोस्तों हम कहते हैं, यहां देखिए, यहां कहेंगे कि अगर हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, दोस्तों ध्यान से देखिए आप लोग, कहते हैं कि दैनिक आवश्यकता कितनी होती है प्रोटीन की। अगर मैं प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता की आप सभी से बात करूं, दैनिक आवश्यकता की अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी हो सकती है, तो आपने पढ़ा होगा लगभग 80 ग्राम से लेकर के 90 ग्राम तक। दोस्तों ये 80 ग्राम से 90 ग्राम तक हमें इसकी आवश्यकता होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ध्यान रखना प्रोटीन जो होता है यह हमें कुछ मात्रा में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, यह हमें एनर्जी भी देता है। एनर्जी कब देगा, हाइड्रोलिसिस के बाद, जल अवघटन के बाद, ठीक है, तब हमको यह ऊर्जा देता है। क्योंकि आप देखते हैं इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के बाद यह हमें ऊर्जा देना शुरू करता है। दोस्तों एक पॉइंट जो यहां पर और बनता है, कहते हैं दैनिक ऊर्जा का कितना परसेंट हम इससे प्राप्त करते हैं, तो कहेंगे दैनिक ऊर्जा का कितना भाग, केवल 5 से 10% भाग कहां से मिल रहा है, यह हमें प्रोटीन से प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन के सोर्स से हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम आगे देखें साथियों, तो आगे पॉइंट्स यह बनता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति अभी है जो केवल एक मोल प्रोटीन खा रहा है या 1 ग्राम प्रोटीन खा रहा है, तो उससे उसको कितनी ऊर्जा मिल सकती है। तो अगर हम इसको देखें तो एक ग्राम
प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का अगर 1 ग्राम अड़ू है दोस्तों, इससे कितनी ऊर्जा मिलेगी, इससे लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। ये बात आप अपने संज्ञान में रखिएगा दोस्त। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने अभी आपको यहां पॉइंट बोला कि प्रथम स्थान पाने वाला आहार, प्रोटीन का एक नाम और है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको हम कहते हैं संरचनात्मक आहार। इसका मतलब यह है कि यह ऐसा आहार है जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। तो दोस्तों यह भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं संरचनात्मक आहार। तो ये सारी जो बातें हैं ये प्रोटीन के बारे में है, खोज किसने की है, इसको प्रथम स्थान पाने वाला आहार कहते हैं, कैसे बनता है, 20 प्रकार की अमीनो अम्ल से बनता है दोस्तों। अब एक पॉइंट और देखिए, हमारी सेल के अंदर, कहता है कि सेल के अंदर इस प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है। ये पॉइंट्स कई बार दोस्तों परीक्षा में आया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो निसंदेह आपसे टकराया जरूर होगा, ठीक है ना, और ये आपसे कमजोर है इसलिए आपने इसको सही किया होगा दोस्तों। जो इसका सिंथेसिस हमारी सेल के अंदर कहां होता है साथियों, यह होता है राइबोसोम के अंदर। बोलिए आपको पता है ना, अगर पता है कमेंट जरूर करना। राइबोसोम के अंदर दोस्तों होता है, और किसकी हेल्प से, अंतः प्रदब्बी जालिका, जिसको हम नाम देते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से राइबोसोम के अंदर दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एंड विथ हेल्प ऑफ आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जामिनेशन बिल्कुल आ सकता है, इसलिए आप सभी को इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। ये पॉइंट्स भी लगातार पूछा गया दोस्त। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा प्रोटीन का सामान्य परिचय दोस्तों। यहां पर देखिए, अब हम अगर देखें तो प्रोटीन का कार्य क्या है, आखिर प्रोटीन करता क्या है, आखिर हमारी बॉडी में आकर क्या करेगा। प्रोटीन का कार्य, जो बेसिक फंक्शन इसके होते हैं, मैं पहले उस पर बात करूंगा। ध्यान रखना आप लोग, आजकल परीक्षा में क्वेश्चन कभी पूछ करके नहीं आते हैं। जो हमारी, जो हम सबकी रणनीति है वह यह है कि आपको हम लोग इतना पढ़ा दें, इतना व्यवस्थित पढ़ा दें कि आपको भटकाव ना हो। जैसे दोस्तों ध्यान रखना, जब भी कोई बच्चा, कोई बालक, कोई छात्र तैयारी शुरू करता है ना, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो जानकारी और सही दिशा निर्देश के अभाव में वो 3 साल तक पढ़ते हैं, उनको पता नहीं कौन सी किताब पढ़नी है और जो कि हमको सिलेक्शन दिलाएगी। बहुत सारे बच्चे सही किताब, सही संस्थान, सही टीचर, सही मार्गदर्शक, इन सब के अभाव में बहुत बहक जाते हैं, 3-4 साल उनका ऐसे निकल जाता है। अगर मान लीजिए आप नए हो, बिगनर्स हो, या फिर तैयारी करना कब से शुरू किए हो, अगर आपको सही रास्ता मिल जाए, सही दिशा निर्देश मिल जाए, सही टीचर मिल जाए, सही गाइड करने वाला मिल जाए, सही संस्थान मिल जाए, और सबसे बड़ी बात है सही स्टडी मटेरियल मिल जाए जो बिल्कुल आपके गोल की तरफ फोकस करता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, उनके बाल पक जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल के अंदर नौकरी पा करके रफु चक्कर हो जाते हैं। अब दोनों में अंतर यह है कि जिनके बाल पक गए हैं, या तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या सही गाइडेंस मिल रहा है वो सही गाइडेंस मान नहीं रहे किसी का। और जो बच्चे 2 साल में नौकरी पाते हैं, इसका मतलब उनको सही ढंग से गाइड किया गया, तब उनको दोस्तों नौकरी मिल गई है। अब प्रोटीन के कार्य, मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ये बाल का निर्माण करता है, जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में मांसपेशी का निर्माण करता है, प्रोटीन से ब्लड बनता है, प्रोटीन से दोस्तों क्या बनता है, हड्डियां बनती हैं, प्रोटीन से लिगामेंट बनता है, प्रोटीन उसका टेंडन बनता है। ये हड्डियां, टेंडन, ब्लड, ये सब है क्या, ये सब ऊतक है। तो प्रोटीन एक ऐसा कारक है, एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण करता है, क्या करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। कहते हैं शरीर की संरचना में सहायक है, शरीर की संरचना में सहायक, ये इसका पहला कार्य है, ठीक है, में सहायक है। और कहते हैं इसका दोस्तों और क्या कार्य होता है, कहते हैं ये ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करेगा,
व क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत। मान लीजिए अभी आपकी पेशियां फट गई हैं, घाव लगी है, चोट लगी है, तो उसकी मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन जो ऐसा कारक है जो ऊतकों की मरम्मत करता है, टिश्यू को दोस्तों क्या करता है, टिश्यू का रखरखाव करता है। टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स। आप जानते हैं कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं सजीवों के शरीर की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती हैं। जब समान कोशिकाएं जो एक ही कार्य करती हैं, जिनका उत्पत्ति स्थान एक होता है, जब ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, तो उनका ग्रुप जो होता है, एक दोस्तों एक ग्रुप का, एक समूह का निर्माण करता है, उसी समूह को हम कहते हैं ऊतक। ठीक है दादियों, तो देखिए शरीर की रचना में सहायक है, ऊतकों का निर्माण करता है, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करता है। साथ ही अगर आगे बढ़ेंगे तो यह भी कह सकते हैं कि नए अंगों का निर्माण भी प्रोटीन ही करता है। दोस्तों देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन क्या पता क्षारीय होता है, प्रोटीन क्षारीय होता है, लेकिन यह हमारे शरीर के पीएच मान को संतुलित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहेंगे कि शरीर का पीएच मान संतुलित करता है। अब आप कहेंगे पीएच मान क्या होता है? दोस्तों पीएच मान का मतलब होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सांद्रण। ठीक है ना? अब दोस्तों ये क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ में कितना हाइड्रोजन है उसकी सांद्रता हम पीएच स्केल से मापते हैं, जहां पर 0 से लेकर के 14 तक पैमाने होते हैं, अंकन होता है। अगर 0 से 7 अंकन है ये अम्लीय होता है, अगर 7 है उदासीन, अगर 7 से 14 दोस्तों होता है तो क्षारीय, इसको हम बोल देते हैं। तो हमारी बॉडी के पीएच मान को बैलेंस करने का कार्य कौन कर रहा साथियों? यहां पर प्रोटीन करता है, हमारी बॉडी के पीएच मान को दोस्तों बैलेंस करने का कार्य करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनरल हैं जो जिनका ट्रांसपोर्ट होता है, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं रक्त के माध्यम से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि खनिजों का संवहन करता है, खनिज पदार्थों का परिवहन। तो खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों यहां पर कहेंगे यही करता है, ठीक है ना, प्रोटीन ही करता है दोस्तों खनिज पदार्थों का परिवहन। अब जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन बाद में पचता है, भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो हम कहते हैं दोस्तों ये क्रिया होती एंजाइम के द्वारा। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को, जो भोजन के जटिल ठोस और अघुलनशील अणुओं को सरल, तरल और घुलनशील भाग में तोड़ते हैं, इसी को हम कहते हैं दोस्तों एंजाइम। एंजाइम हमारे शरीर के अंदर उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है दोस्तों, और सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंजाइम के रूप में पाचन भी प्रोटीन का कार्य होता है, एंजाइम के रूप में, के रूप में पाचन। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो आप बताओ मुझे कोई 5 एंजाइम के नाम लिखो और बताओ सबसे पहले पाचन क्रिया शुरू करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। अब दोस्तों ये रहा एंजाइम। अब जो प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी हार्मोन, जैसे कि हमारी वृद्धि, जीवन भर वृद्धि होती रहती है ना, तो वृद्धि कंट्रोल कौन करता है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, और एक होता है इंसुलिन हार्मोन और एक होता है ग्लूकागन हार्मोन। ये चारों हार्मोन आप जानते होंगे ना, ये चारों हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कहते हैं कुछ हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है ना, हार्मोन के रूप में कार्य, रूप में कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कुछ ही प्रोटीन हार्मोन होते हैं, बस ये मत बोलना कि सभी हार्मोन प्रोटीन से नहीं, सभी हार्मोन प्रोटीन से नहीं बनते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन दोस्तों बने होते हैं। अब देखिए हम आगे बताएंगे आप सभी दोस्तों, यहां देखिए आता है हार्मोन के रूप में, बल्कि कहेंगे कोशिका क्रिया का नियमन, कोशिका क्रिया का नियमन, क्रिया का नियमन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए
होता है प्रोटीन क्या करता है, इसके अलावा कहेंगे जो हमारा ब्लड होता है ना, रक्त के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या होता है, रक्त में लाल रंग का कारण है जिसमें हीम प्लस ग्लोबिन होती है। ग्लोबिन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसमें ग्लाइकोजन और प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, यह भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है और आप जानते होंगे आपके बॉडी में होता है एंटीबॉडी। ये किसी भी रोग व्याधि को से हम हमारी रक्षा करता है। ये भी क्या होता है, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन से बनता है, ग्लोबुलिन से बनता है दोस्तों। और आपने पढ़ा होगा एंटीजन के बारे में, इससे क्या होता है, इससे हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो तय होता है एंटीजन। दोस्तों जो एंटीजन होता है ये कैसे बनता है, यह भी प्रोटीन से बनता है, उसी ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है एंटीजन। सोचिए आप लोग दोस्तों, तो ग्लोबुलिन से क्या बनता है, एंटीबॉडी, और ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनता है, ये बनता है एंटीजन। तो हीमोग्लोबिन हो चाहे एंटीबॉडी दोस्तों, या फिर दोस्तों एंटीजन हो, या हम कहते हैं आरएच फैक्टर। आप जानते हैं ब्लड क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, इसको हम बोलते हैं आरएच कारक, आरएच कारक। और दोस्तों इसके अतिरिक्त आप जब पढ़ेंगे ना तो कहेंगे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन ये ब्लड को जमाता है का निर्माण। इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्रोटीन है, हम बात करेंगे आप सभी से दोस्तों। तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं जो सारे पॉइंट्स आपके सामने यहां पर लिखे गए हैं, ये सारे कार्य कौन करता है साथियों, ये सारे कार्य प्रोटीन कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के अंगों का निर्माण करता है, कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है, घाव को भरता है, घाव भरने में भी क्या है दोस्तों, सहायक होता है कौन, ये प्रोटीन। और शरीर के पीएच मान को बैलेंस करता है, और जितने भी मिनरल होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी करता है, एंजाइम के रूप में पाचन क्रिया करेगा। कुछ हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोशिका क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। ब्लड में आप देखिए हीमोग्लोबिन है, एंटीबॉडी एंटीजन आरएच फैक्टर होता है, या फाइब्रिनोजेन होता है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये सब कैसे बनते हैं, सब प्रोटीन के बने होते हैं भाई। बहुत सारे दोस्तों कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन से ही संभव हो पाते हैं। अब हम आगे दोस्तों बढ़ेंगे और देखिए इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आखिर हम क्या खाएं कि हमें सही मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम खाते बहुत कुछ है, सबसे हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता दोस्तों। आइए हम देखते हैं इसके सही स्रोत क्या क्या है। तो प्रोटीन के स्रोत, अगर मैं आपसे बात करूं प्रोटीन के स्रोत की, तो निसंदेह आप जो है इन सभी सोर्स को अच्छी तरह जानते होंगे। तो प्रोटीन के स्रोत, चले बताएं आप प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले, सबसे बेहतर दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आप लोग आंख बंद करके जय माता दी सोयाबीन जिंदाबाद तुरंत करते हो ऐसे ही। लेकिन अगर ऑप्शन में सोयाबीन के साथ साथ मशरूम आ जाए तो क्या करोगे, तब तो वहां पर फंस जाओगे। ध्यान देना आप सभी लोग, सोयाबीन से अधिक प्रोटीन होती है मशरूम के अंदर, 55% मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं दोस्तों। कहेंगे सबसे ज्यादा कहां होती है, यह होती है मशरूम के अंदर, उसके बाद कहां होती है, सोयाबीन के अंदर। अगर ऑप्शन में दोनों है निसंदेह आप किसको मानेंगे, मशरूम को। अगर ऑप्शन में मशरूम नहीं है तब किसको मानेंगे आप, सोयाबीन को। 55% इसमें होती है, लगभग 40 से लेकर 42%। अब यार इसको हम देखें तो दालें बहुत सारी होती, जैसे क्या है, जैसे साथियों मूंग है, मसूर है, उड़द है, चना, मटर, ठीक है दोस्तों, और देखिएगा अंडा, ठीक, और आगे मांस में रेड मीट, ठीक है दोस्तों। और हम कहेंगे यहां इसके अतिरिक्त मांस है, दूध, पनीर, टोफू। बहुत से बच्चे कहेंगे सर टोफू क्या होता है, तो टोफू पनीर का भाई है, जैसे पनीर होता है वैसे टोफू होता है, तो दोनों भाई है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होता है, दिखने में भी खाने में भी, हालांकि जो बनने की क्रियाएं होती है उनकी अलग अलग होती है दोस्तों। और कहा होगा, अनाज में होता है कुछ मात्रा में दोस्तों, अनाज में होगा। और कहा होता है, कुछ विशेष प्रकार की ऐसी प्रोटीन जो कि
नॉन एसेंशियल इम्यूनो एसिड बनी होती है। ये कहाँ होती है दोस्तों? ये फल के अंदर होती है, तो इसको भी हम जान सकते हैं। ये देखिए क्या था दोस्तों, ये था सब प्रोटीन का स्रोत। मशरूम है, सोयाबीन है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, चना है, मटर है, अंडा, मांस है, और कहेंगे साथियों दूध है, पनीर है, टोफू है, अनाज है, फल है। इन सब में क्या होता है दोस्तों? इन सब में होता है प्रोटीन, और बहुत ज्यादा मात्रा में। और कहेंगे पॉइंट्स और, वह क्या दोस्तों? वह होता है सी फूड, जिसको हम कहते हैं समुद्री भोजन। समुद्री भोजन, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है दोस्त, ठीक है ना? इसमें भी प्रोटीन होता है। और एक चीज मैं भूल गया दोस्तों, वह क्या है? वह है मछली, व्हाइट फिश। यह जो है प्रोटीन का बहुत शानदार स्रोत है दोस्तों। क्या है ये? व्हाइट फिश है, तो इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। ये रहे प्रोटीन के स्रोत कि क्या क्या खाने से प्रोटीन आपको मिल सकती है। अब जिसकी बात मैं कर रहा हूं साथियों, वह और भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने आपको बताया कि 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज, अगर उस व्यक्ति को 80 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलती है तो बताओ उसको क्या हो सकता है, उसको कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रोटीन खा रहा है दोस्तों और उसको 80 ग्राम प्रोटीन नहीं मिली है तो क्या होगा? पहली बात तो वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना? उसके अंग सही से दोस्तों डेवलप नहीं कर पाएंगे, वही बाल झड़ेंगे, बाल पकेंगे, नाखून में प्रॉब्लम होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, तमाम समस्याएं उसको हो सकती हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे जो जिम में वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनके लिए 80 ग्राम नहीं बल्कि उनको कहेंगे 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और हाँ, बहुत अधिक प्रोटीन खाना भी हानिकारक होता है। अगर अधिक मात्रा में प्रोटीन खाएंगे तो वह एमिनो अम्ल बनेगा, प्रोटीन दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के बाद एमिनो अम्ल बनेगा। जब एमिनो अम्ल का इस्तेमाल होगा दोस्तों क्या बनेगा? वो यूरिक अम्ल बनेगा और अमोनिया बनेगा। जब यूरिक अम्ल और अमोनिया बनेगा तो किडनी में जाएगा, यूरिया बनेगा, यूरिया बाहर फिर होगा। तो जितनी अधिक मात्रा में प्रोटीन खाएंगे ना, उतनी अधिक मात्रा में एमिनो अम्ल बनेगा और उतनी ही अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के अपशिष्ट बनेंगे। तो अधिक प्रोटीन खाना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, यह ध्यान देना दोस्तों। अब यहां देखिए दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? प्रोटीन की कमी से क्या होगा? अगर प्रोटीन अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? दोनों पॉइंट दोस्तों हम पढ़ेंगे। यहां पर कहेंगे प्रोटीन की कमी से और यहां कहेंगे प्रोटीन की अधिकता से। तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा और प्रोटीन की अधिकता से क्या होगा? ये दोनों पॉइंट्स अपने आप में कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और कई बार लोग यहां पर कंफ्यूज भी रहते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा यहां पर एक चीज का नाम, एक बीमारी का नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं मरेस्मस, एक प्रकार का कुपोषण। इसमें व्यक्ति बहुत पतला होता है दोस्तों, और खासकर क्या होता है, यह कहां होता है? यह बीमारी होती है बच्चों के अंदर, ध्यान देना, मरेस्मस दोस्तों। एक होता है क्वासियोर्कर, एक क्या होता है? क्वासियोर्कर। जो क्वासियोर्कर बीमारी होती है यह ज्यादातर वयस्क में होती है, वयस्क व वृद्ध में होती है। मांसपेशियां बहुत ढीली पड़ जाती हैं, ठीक है, आप देखेंगे ऐसे मांसपेशियां बहुत ढीली पड़ जाती हैं और व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। तो मरेस्मस बच्चों में होता है और क्वासियोर्कर वयस्क और वृद्ध व्यक्तियों के अंदर होता है। यह प्रोटीन की कमी से, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कहेंगे कि प्रोटीन का सही पोषण नहीं मिल पाया, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर क्या हो गया? कुपोषण हो गया है। और अगर प्रोटीन अधिक मिलेगी तो, मैंने क्या बोला आपसे, अगर अधिक प्रोटीन मिलेगी तो अधिक एमिनो अम्ल बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद, जल अपघटन के बाद। अधिक प्रोटीन लिया, अधिक एमिनो अम्ल बना। अधिक एमिनो अम्ल का इस्तेमाल करोगे आपकी बॉडी में तो पेशियां उसको अधिक मात्रा में क्या करेंगी? अमोनिया और यूरिक अम्ल बनाएंगी। जब अधिक मात्रा में अमोनिया और यूरिक अम्ल बनेगा तो जाएगा लीवर में, उतनी ही अधिक मात्रा में यूरिया बनेगा, और जब यूरिया की मात्रा बढ़ेगी आपके गुर्दे में, आपके मूत्र में, तब आपके किडनी में प्रॉब्लम होगी और उसको हम कहते हैं कि मूत्र रोग। दोस्तों यहां क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, अगर यह अधिक होता है तो इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा हृदय रोग। तो इससे होता है हृदय रोग और साथ ही साथ इससे गुर्दा रोग भी होता है। हृदय रोग और गुर्दा रोग दोनों उत्पन्न होते हैं, समझ गए ना?
तो ये है प्रोटीन की कमी से और प्रोटीन की अधिकता से क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा और डिस्कस करेंगे दोस्तों हम सभी लोग एक पॉइंट कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। अगर प्रोटीन के प्रकार की बात करूं आप सभी से, तो प्रोटीन के प्रकार को पढ़ने से पहले मैंने क्या कहा था आप सभी से, जो प्रोटीन होता है वो 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें जो 10 प्रकार की आवश्यक एमिनो अम्ल है वो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक एमिनो अम्ल है और पूछा गया है। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, इसमें रेलवे ग्रुप डी से लेकर के पीसीएस की परीक्षा तक मैंने अध्ययन किया, उसके हिसाब से इस टॉपिक को मैंने मैनेज किया है और आपको पढ़ाने की कोशिश की है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जिस दिन अगर आप जीएस पूरा पढ़ लेंगे, ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, चैलेंज है कि किसी भी परीक्षा में, पीसीएस तक की परीक्षा में आपको तनिक भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। ये वादा भी है, एक सलाह भी है दोस्तों, और एक जिम्मेदारी के साथ मैं बोल भी रहा हूं। देखिए, ल्यूसीन भी आवश्यक एमिनो अम्ल है, आइसोल्यूसीन है, मिथियोनिन है, मिथाइल एनिन है, ट्रिप्टोफेन है, वेलिन है, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, लाइसिन और थ्रियोनिन। अब आप कहेंगे सर ये हमको नाम याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी आऊंगा जब इसकी ट्रिक बताऊंगा आप सभी को, ठीक है ना। बाकी आप जानते हैं मैं ट्रिक स्पेशलिस्ट हूं, हालांकि मैं अपने आप को कहता नहीं हूं, लेकिन मैं ट्रिक पढ़ाता हूं और शानदार तरीके से। तो यहां अगर फिर से नाम बोलिएगा, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, मिथाइल एनिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, लाइसिन और थ्रियोनिन, ये दसों क्या होती है, आवश्यक एमिनो अम्ल होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन के प्रकार क्या क्या है, आखिर जो प्रोटीन हमारे आसपास है, जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम खाते हैं, उसको हम कितने भाग में बांट सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां देखो, पहली बात कहेंगे गुणों के आधार पर, मतलब उसमें क्या गुण है हमारे शरीर के अंदर, वह कर क्या रही है, क्या हम ऐसी प्रोटीन खा रहे हैं जो शरीर के अंदर सारे कार्य करती है जो प्रोटीन कर सकता है, क्या हम ऐसी प्रोटीन खा रहे हैं जो कुछ विशेष कार्य ही कर पा रहा है, बाकी ठाई ठाई फिस है। तो गुणों के आधार पर क्या उसका गुण है, क्या खाने योग्य है या नहीं, तो गुणों के आधार पर दोस्तों, और कहते हैं स्रोत के आधार पर, प्रोटीन हमें प्राप्त कैसे होती है इसके आधार पर प्रोटीन के प्रकार कितने हैं, और कहते हैं संरचना के आधार पर, मतलब प्रोटीन बना कैसे है, सिंपल प्रोटीन है या कॉन्जुगेटेड होता है, या फिर क्या है, व्युत्पन्न है। तो प्रोटीन क्या है, सिंपल है या कॉन्जुगेटेड है या डेराइव्ड होता है, कैसे बना हुआ है, बनावट के आधार पर प्रोटीन के प्रकार कितने कितने हैं, हम इसकी बात भी आपसे यहां पर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं गुणों के आधार पर प्रोटीन, देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखिए गुणों के आधार पर प्रोटीन में लिखा गया है पूर्ण प्रोटीन, जैसा कि नाम देखिए आप लोग बहुत ध्यान से पहले नाम को समझिए, नाम कह रहा है पूर्ण प्रोटीन, इसका मतलब यह अपने आप में पूरा परफेक्ट है। क्या है, पूरा परफेक्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा था, ना तो हम परफेक्ट हैं ना तो आप परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट होते एक ही बार पढ़ करके नौकरी पा जाते दोस्तों, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। और अगर हम परफेक्ट होते तो आपको एक ही बार पढ़ाते और आप बस। तो ये, लेकिन ये परफेक्ट है, ये पूर्ण प्रोटीन है, ये कंप्लीट बिल्कुल दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी दसों प्रकार के अनिवार्य अमीनो अम्ल इस पूर्ण प्रोटीन में होते हैं। तो कहेंगे इसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यह उत्तक वृद्धि, उनका रख रखाव, क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत, कटे अंगों की मरम्मत, एंजाइम का निर्माण, वजन बढ़ाना, हार्मोन का कार्य, पीएच मान बैलेंस करना, खनिजों का संवहन, सारे कार्य करती है। समझे आप लोग, मतलब ये क्या है, इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन कर सकती वो सारे कार्य कर रही है, और इसी कारण दोस्तों क्या कहते हैं इसको, पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। अब रही बात कहां से मिले, क्या खाएं कि पूर्ण प्रोटीन मिल जाए, दूध, डेली आपको 250 ग्राम दूध पीना है या खाना है, अंडे, अंडे का सफेद भाग, क्योंकि पीले वाले भाग में भयंकर फैट होती है, मांस, जो लाल मांस, रेड मीट दोस्तों का, उसमें रेड मीट के अंदर शानदार प्रोटीन होती है, मछली, व्हाइट फिश, जो सफेद मछली होती है उसके अंदर प्रोटीन कौन सी होगी,
पूर्ण प्रोटीन। सोयाबीन के अंदर दोस्तों जो सोयाबीन की सोया चंक्स होता है, ये जो उसके दाने होते हैं उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। कहेंगे सूखे फल जो ड्राई फ्रूट्स हैं दोस्तों, अखरोट वगैरह होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। मशरूम, इसमें भी पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। तो ये पूर्ण प्रोटीन क्या होता है? केसीन है, एल्बुमिन है दोस्तों, यहां देखिए ग्लोबिन है, ये सब क्या होते हैं? ये सब पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में इनको हम शामिल कर सकते हैं। इनका स्रोत ये है, अगर आप ये खाओगे तो आपको पूर्ण प्रोटीन मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब यहां दिया है आंशिक प्रोटीन। आंशिक का मतलब ये है कि ऐसे प्रोटीन जो सभी कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारे अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी आप ही घर में हो, घर में आप सारे फैसले नहीं कर पाओगे, आपको कुछ फैसले तक ही सीमित रखा गया है। वो फैसले क्या है? वो आपके फैसले हैं, किससे बतियाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो क्योंकि आप बाहर रहते हो। तो आप भी क्या है दोस्तों? आंशिक भाग है। पूरे फैसले कौन करता? घर के मुखिया करते हैं दोस्तों। क्या है ये आंशिक प्रोटीन है। अगर मैं आपसे आंशिक प्रोटीन की बात करूं तो इसमें दोस्तों क्या क्या विशेषताएं होती? कहते हैं कि इसमें केवल यानी इसमें 3 से 4 प्रकार के अमीनो अम्ल ही पाए जाते हैं, यानी इसमें अमीनो अम्ल कम होते हैं। इसमें 3 से 4 प्रकार के अमीनो अम्ल ही पाए जाते हैं और यह शरीर में कुछ ही प्रक्रियाओं को पूरा करती है, यानी बॉडी के अंदर कुछ ही कार्य कर पाती है, सारे कार्य करने में असफल है, पूरे कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड 3-4 प्रकार के ही होते हैं। जैसे हमारे अनाज में क्या होता है? अनाज में ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन कहां होती है? अनाज में होती है। ग्लूटीन भी दोस्तों कहां होती है? अनाज में होती है। हार्डिन भी क्या है? अनाज में है। लाइसिन भी दोस्तों अनाज में होती है। ये अनाज के अंदर होती है, इनके अंदर ऐसा गुण नहीं है कि सारे कार्य कर सके। दाल में है प्रोलेमिन, मिथ्रियोनिन, ये इनके अंदर भी वह गुण नहीं है कि सारे कार्य पूरे कर सके। आगे देखिए दिया हुआ अपूर्ण प्रोटीन, इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, ये बहुत कम काम कर पाती है। कहेंगे यह मुख्यतः पौधों में मिलती है, इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होता ही नहीं है। जब आवश्यक अमीनो अम्ल होगा ही नहीं तो इसको खाने से कोई भी प्रोटीन वाला कार्य पूरा नहीं हो पाए। जैसे क्या दोस्तों? जैसे मक्के में जिन है, फलों में जिलेटिन होती है, ये दोनों ऐसी प्रोटीन है जिसका कोई अर्थ नहीं उसको आप खाएं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसमें कोई भी अमीनो अम्ल होगा ही नहीं। जब कोई भी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होगा तो खाने का फायदा ही क्या भैया है? आप मुझे पढ़ रहे हो, जब क्वेश्चन एक को फंसवे नहीं करेंगे मतलब क्या मतलब है पढ़ने का? फिर आप वही पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन फंसता है। क्यों? क्योंकि आप किससे पढ़ोगे? अनुभवी से। अब यह अनुभव की यहां पर भंडार अनुभव का है, ध्यान देना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि स्रोत के आधार पर प्रोटीन, यानी स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखिए कहेंगे पहला क्या है? प्राणिज, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं एनिमल प्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसका सोर्स क्या है दोस्तों? एनिमल्स होते हैं। कहेंगे एनिमल प्रोटीन। अब जो एनिमल प्रोटीन होता है भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास वाला प्रोटीन। भैया कैसा, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास है, मतलब बहुत बढ़िया है। सेम, ये जो एनिमल प्रोटीन होती है ये फर्स्ट क्लास की प्रोटीन होती है, मतलब इसमें सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। कहेंगे ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, पचने में सहायक है और समस्त अमीनो अम्ल इसमें प्रेजेंट है, सारे अमीनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। अगर इसको खाओगे तो सारे कार्य होंगे बॉडी के अंदर। अब एग्जाम्पल देखिए, दूध, कुछ लोग कहते हैं हम शाकाहारी हैं तो भैया दूध खा सकते हो। दूध है, मांस है, अंडे हैं, पनीर है, मछली है, टोफू है दोस्तों, ये सब क्या होता है? ये सब जो है ये सब एनिमल प्रोटीन है और इसको फर्स्ट क्लास का प्रोटीन करते हैं, मस्त वाली है इसका मतलब। अब यहां देखेंगे दिया गया है प्लांट प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं वनस्पतिक प्रोटीन। अब अगर हम इसकी बात करें तो यह द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे अमीनो अम्ल नहीं होते, बल्कि कुछ होते हैं या तो होते ही नहीं है। तो इनमें कुछ अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे दाल है, अनाज है, फल है, इनको हम द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहते हैं। और अगर इसको हम खाएंगे भी ना तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन खाते हैं चूंकि अनाज प्रोटीन के साथ साथ क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है ना, तो हम कार्बोहाइड्रेट के लिए खाते हैं उसको।
अब दोस्तों यहां देखिए बात करेंगे संरचना के आधार पर प्रोटीन, यानी प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, प्रोटीन के निर्माण में कौन कौन से तत्वों ने भाग लिया है, प्रतिभाग किया है, इसके आधार पर प्रोटीन तीन होती है, सरल यानी सिंपल, एक होती है संयुग्मित मतलब कॉन्जुगेटेड, और एक होती है व्युत्पन्न मतलब डेराइव्ड प्रोटीन। तो यहां देखेंगे आप सभी लोग सिंपल प्रोटीन को, यह केवल अमीनो अम्ल से बनी होती, मतलब इसमें अमीनो अम्ल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी होती है। लाइक अंडे में एल्बुमिन, अंडे में एल्बुमिन इसमें केवल अमीनो अम्ल है, गेहूं में ग्लूटिन और ग्लाइडिन केवल अमीनो अम्ल है, दाल में प्रोलेमिन केवल अमीनो अम्ल है, इसके अतिरिक्त हमारे प्लाज्मा में होती है कोलेजन प्रोटीन। प्लाज्मा में ध्यान रखना, प्लाज्मा का पीला रंग कोलेजन प्रोटीन के कारण होता है, प्लाज्मा ब्लड का भाग है, ब्लड का 50 से 55% भाग, 55 से 60% भाग क्या होता है, यही दोस्तों प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा गाढ़ा पीला तरल चिपचिपा होता है, और जो प्लाज्मा होगा वह पीला क्यों होता है, कोलेजन नामक प्रोटीन के कारण। एक्टिन दोस्तों ये हमारी उपास्थियों में होता है, इलास्टिन ये हमारे लिगामेंट का निर्माण करता है, मायोसिन ये हमारी पेशियों में दोस्तों होता है, तो पेशियों में या एक्टिन भी होगा पेशियों में, और पेशियों में मायोसिन भी होता है, इलास्टिन का होता है लिगामेंट जो दो हड्डियों को जोड़ता है उसमें होता है, हिस्टोन ये क्रोमोसोम में, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ऐसे प्रोटीन है जो केवल और केवल अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं, इनमें और कुछ भी शामिल नहीं होते। अब दोस्तों यहां देखिए ये दिया गया है, ये ऐसी प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इसको हम बोल देते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये देखिए ऐसी प्रोटीन है जो अमीनो एसिड के साथ साथ, अमीनो अम्ल के साथ साथ कुछ अन्य विशेष प्रकार के पदार्थों के संयोग से मिलकर के बनी होती है। सोचिए जैसे प्रोटीन प्लस अन्य तत्व बराबर क्या होता है, संयुक्त प्रोटीन। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, इसको देखिए दोस्तों अच्छे से, न्यूक्लियो प्रोटीन दोस्तों क्या है, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, कहां डीएनए और आरएनए में होती है न्यूक्लियो प्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन, तो ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन दोस्तों कहां होती है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन दोस्तों कोशिका झिल्ली में होती है। फास्फोप्रोटीन, तो ऐसी बहुत सारी प्रोटीन होती है जो एमिनो अम्ल के साथ साथ किसी न किसी अन्य तत्वों से मिलकर के बनी होती है, इनको हम कहते हैं संयुक्त प्रोटीन। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन है, ग्लाइको प्रोटीन है, लिपो प्रोटीन है, फास्फो प्रोटीन है। ठीक है भैया दोस्तों, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि यह ऐसे प्रोटीन है जो संयुक्त प्रोटीन होते हैं दोस्तों। एक क्या है, एक है व्युत्पन्न प्रोटीन, एक क्या दोस्तों, एक है व्युत्पन्न प्रोटीन, इसको हम नाम देते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। ध्यान से सुनिए, व्युत्पन्न का मतलब होता है अन्य से उत्पन्न होने वाला, व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि अन्य से उत्पन्न होने वाला, यानी वह प्रोटीन जो किसी अन्य प्रोटीन से उत्पन्न हो, किसी अन्य पदार्थ से उत्पन्न होता है, पेप्टोन है, पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड दोस्तों, या प्रोटीएजेस होता है, ये अन्य पदार्थों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। नहीं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं आता दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आइए हम वहां चलते हैं, और यही आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होता है दोस्तों। जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहां पर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चंस मैं कहूंगा दोस्त यहां से अधिक मात्रा में बनते हैं। एक बार इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद अपने मत को आप प्रस्तुत कीजिए। यहां दोस्तों देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ है जिन प्रोटीन का नाम है, जिन हार्डिन ग्लूटिन प्रोलेमिन गोसेपिन फाइब्रोइन जिलेटिन केसिन कैरोटिन अल्फा किरेटिन हिपेरिन हिस्टोन साइटोक्रोम एक्टिन मायोसिन मायोग्लोबिन आसिन कॉन्ड्रिन इलास्टिन, ये सब प्रोटीन के नाम है, और जो क्वेश्चन बनता है ना यहीं से बनता है, तो ध्यान देना आप लोग। जिन कहां होती है, बस फटाफट, ये होती है मक्का के अंदर। हार्डिन दोस्त कहां होती है, या होती है गेहूं के अंदर, या दोस्त कहेंगे यह जौ के अंदर होती है, यह होती है जौ और अन्य अनाज में। हार्डिन
और दिया हुआ है ग्लूटीन, ये कहां होती है? ये होती है गेहूं के अंदर। प्रोलेमिन कहां होती भैया? दाल के अंदर होती है, ठीक है ना। गोसेपिन कहां होती? कपास, जिसको हम कहते हैं रुई, उसमें होती है। फाइब्रोइन कहां होती है? ये रेशम के अंदर होती है, और मकड़े के जाल में, इसको बोलते हैं मकर जाल, मकड़ी के जाला में, ठीक है दोस्तों। तो मकड़ी के जाले में होती साथियों, और कहां होती? रेशम के अंदर होती है। जिलेटिन कहां होगी? ये फलों के गूदे में होती है, फलों के गूदे में। केसीन कहां होती है? तो दूध में सफेदी, जो दूध में सफेद रंग होता है, दूध में सफेद रंग दोस्तों कैसे होता है? केसीन से होता है। और कैरोटीन कहेंगे कि जो दूध में पीला रंग होगा दोस्तों कैसे होता है? कैरोटीन से होता है। ये सारे पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। और कहता है अल्फा कीरेटिन, ये बाल है ना, बाल, ये नाखून, पशुओं के सींग, उनके खुर, खुर जो प्राकृतिक सैंडल होता है गाय भैंस का, आप जानते हो दोस्तों यहां ऐसे होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं खुर। एक्चुअली में ये वाला भाग देखिए वाला, इसको बोलते हैं खुर। तो बाल, नाखून, सींग और खुर दोस्तों कैसे बनता है? इसी से बनता है। तो कहेंगे बाल, बाल, नाखून, नाखून, सींग, ये सब अल्फा कीरेटिन से बनता है। अल्फा कीरेटिन दोस्तों क्या होती है? रचनात्मक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं फाइबरस भी होती है, इसमें फाइबर भी होता है। हिपेरिन दोस्तों ध्यान देना, ये क्या एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसको हम डाइवर्स प्रोटीन कहते हैं, डाइवर्स प्रोटीन कहते हैं दोस्तों। क्या होता है ये होता है रक्त प्रतिस्कंदक, मतलब हमारी बॉडी के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो रक्त प्रतिस्कंदक कहलाता है। क्या? हिपेरिन, हिस्टोन। ये कहां होती है? हमारे क्रोमोसोम के अंदर होती है, हमारे गुणसूत्र के अंदर होती है। आगे देखिए साइटोक्रोम, ये कहां होती है? ये हमारे माइटोकांड्रिया में है, हमारे माइटोकांड्रिया में होती है। माइटोकांड्रिया के अंदर दोस्तों क्या होगी? ये साइटोक्रोम प्रोटीन होती है। और कहते हैं एक्टिन और मायोसिन, ये हमारी मांसपेशी का निर्माण करती है, मसल्स में होती है, मांसपेशियां, मांसपेशी का निर्माण करती है, का निर्माण करती है दोस्तों। कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। आगे देख लो, दिया गया है मायोग्लोबिन, जो पेशियां हमारी दो प्रकार की होती है, एक लाल होती है और एक सफेद। दोस्तों जो लाल पेशियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है मायोग्लोबिन। तो कहते हैं कि पेशियों का लाल रंग, क्या कहेंगे? पेशियों का लाल रंग जो होता है वह मायोग्लोबिन से ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना आप लोग। ऑसिन प्रोटीन, ऑसिन ये आपके अस्थि के अंदर होती है, आपके अस्थियों का निर्माण करती है दोस्त, कहेंगे अस्थि का निर्माण करती है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन ये उपास्थि का निर्माण करती है, ये हमारे उपास्थियों का दोस्तों निर्माण करती है। और दिया है इलास्टिन, तो मैंने क्या बोला आपसे? लिगामेंट दोस्तों, लिगामेंट क्या होता है? ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, तो लिगामेंट के अंदर क्या होती है? इलास्टिन प्रोटीन होती है। यह पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो जिन, हार्डिन, ग्लूटिन, प्रोलेमिन, गोसेपिन, फाइब्रोइन, जिलेटिन, केसिन, कैरोटीन, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत उम्मीद है कि बन ही जाएगा परीक्षा में। अब यहां देखिए कुछ प्रोटीन और रह गया है, जैसे कोलेजन। मैंने दोस्तों पहले ही आपसे कहा था कि देखिए ये ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होती है, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, क्या? कोलेजन। तो अभी हम इसको सबसे लास्ट में कर दे रहे हैं, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से आप देखें, सबसे पहले क्या है देखिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। थ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन है। और फाइब्रिन क्या है? प्रोटीन है। ये पांचों ऐसी प्रोटीन है जिनका सिंथेसिस हमारे लीवर के अंदर होता है, हमारे यकृत में होता है। कहेंगे ये ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, बनाने में सहायक है। मतलब ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को क्लॉट करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से नोट करके अपने पास रखिए दोस्तों। ब्लड क्लॉट में हेल्प करने वाली प्रोटीन क्या? पहली थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन,
फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन होती है। आगे देखिए एंटीजन, दोस्तों ये ऐसा प्रोटीन है जो रोग वाहक को हमारी बॉडी के अंदर लाता है, या फिर दोस्तों कहते हैं कि रक्त निर्धारण एंटीजन के कारण ही होता है, यह पॉइंट्स हम कह सकते हैं, ये यही करती है। एंटीबॉडी दोस्तों क्या होती है, यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करती है, तंत्र बनाती है, तंत्र का निर्माण करती है, का निर्माण करेगी। कौन सी प्रोटीन दोस्तों, यह नाम देखिए आप लोग, नाम इसका है एंटीबॉडी। हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, आप जानते हैं यह ऐसी प्रोटीन होती है जिसके कारण हमारे रक्त का लाल रंग होता है, और यह ऑक्सीजन का परिवहन भी करने में हेल्प करती है। आरएस फैक्टर दोस्तों आपको पता होगा यह क्या होता है, एक प्रकार का डी एंटीजन भी इसको कहते हैं, और यह भी क्या होता है, रक्त समूह का निर्धारण यह भी करता है। कौन? आरएस कारक। तो यह भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। दिया है कोलेजन, तो बस इतना कहेंगे कि रक्त प्लाज्मा का पीला रंग इसी कारण होता है, समझ गया ना, ब्लड प्लाज्मा जो पीला होता है दोस्तों इसी कारण से होता है। नाम इसका क्या है, नाम इसका है कोलेजन। तो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जितना बताया हूं आप अगर इसको देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हां सर वास्तव में इसकी बहुत ही महत्ता है परीक्षा के अंदर। अब दोस्तों हम एक पॉइंट्स और आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट्स दिया हुआ है विशिष्ट भूमिका के आधार पर प्रोटीन। दोस्तों कुछ प्रोटीन ऐसी है जिनकी बहुत ही विशिष्ट भूमिका होती है, और उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि वह कौन कौन सी होंगी। दोस्तों जैसे जो पहली प्रोटीन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल, मतलब ये ऐसी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ऐसी कौन कौन सी प्रोटीन है जो बॉडी के स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगी, वो हमें यहां पर मेंशन करना है। दोस्तों इसके बाद हम कहेंगे एंजाइमेटिक, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइमेटिक प्रोटीन। दोस्तों फिर पॉइंट क्या बनता है, फिर पॉइंट्स बनता है हार्मोनल प्रोटीन, ऐसी कौन कौन सी प्रोटीन है जो हार्मोन का निर्माण करती है, हार्मोनल प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं। साथियों इसके साथ साथ देखिए, कई बार पूछा गया दोस्तों कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो गमन करती, जो चलती है, तो कहते हैं इनको मोटिलिटी प्रोटीन। मोटिलिटी प्रोटीन यानी चलने में सहायक, जो गमनशीलता में हेल्प करती दोस्तों। और देखिए आगे पूछता है ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट होती है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि परिवहन में सहायक होती है। ये पॉइंट्स भी हमें जानना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट दोस्तों करती है। और देखिए पॉइंट्स, और कहता है डिफेंस प्रोटीन, वह कौन सी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है, तो कहेंगे डिफेंस प्रोटीन। दोस्तों वह कौन सी प्रोटीन है जिनको हम न्यूट्रिटिव कहते हैं, न्यूट्रिटिव प्रोटीन, या इसको हम स्टोरेज प्रोटीन भी कह देते हैं, भंडारण वाली प्रोटीन कह देते हैं। अब विशिष्ट भूमिका इनकी है, तो इसके आधार पर ये प्रोटीन का मैं नामकरण कर दिया हूं। जैसे पहली क्या है, स्ट्रक्चरल, जो बॉडी के स्ट्रक्चर का, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाती है। दोस्तों कहेंगे देखिए पहले क्या है, दोस्तों पहले होती है अल्फा किरेटिन, ये बॉडी के स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, तो अल्फा किरेटिन। अब अल्फा किरेटिन दोस्तों क्या क्या बनता है आप समझ सकते हो, बाल नाखून वगैरह बनता है दोस्तों। या देखिए कोलेजन, इससे क्या बनता है, इससे बनता है दोस्तों ब्लड का प्लाज्मा, तो आप कह सकते हैं जो कोलेजन होती है या अल्फा किरेटिन है या स्ट्रक्चरल होती है दोस्तों। साथ में हम कहेंगे इलास्टिन, इलास्टिन से क्या बनता है, लिगामेंट बनता साथियों, इसलिए यह भी क्या है, यह भी होती है स्ट्रक्चरल। रही बात एंजाइमेटिक प्रोटीन की, तो हम क्या बोलते हैं यहां पर, आल एंजाइम आर प्रोटीन, मतलब सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, तो आल एंजाइम आर प्रोटीन, बट आल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, मतलब सभी एंजाइम जितने भी पाचन क्रिया में भाग लेते हैं वो सभी प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम से नहीं बनते दोस्तों। यहां देखिए दिया हुआ है हार्मोनल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो बॉडी में हार्मोन तरह कार्य करते हैं, इनमें हम शामिल करते हैं सबसे पहले इंसुलिन।
आप जानते हैं बढ़े हुए ग्लूकोज को मेंटेन करके ग्लाइकोजन में चेंज करता है इंसुलिन। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आगे देखिए आगे होता है ग्लूकागॉन, यह क्या करता है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, मतलब दोनों उल्टा काम करते हैं, जो ये काम करेगा इसका उल्टा काम ये करता है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगा और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है दोस्त। यहां देखिए एक और होता है थायरोक्सिन, यह भी क्या होता है दोस्तों, यह भी क्या है, यह भी ऐसा ही होता है दोस्त। और देखिए दोस्तों एक क्या देखिए, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन दोस्तों, वह भी क्या होता है, वह भी प्रोटीन से बना होता है। ये सभी हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है, चूंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है दोस्त। देखिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे दिया है मोटेलिटी, गमनशीलता में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही, गति कर रही है, सारे अंग मुड़ रहे, हिल रहे हैं, ये किस कारण दोस्तों, ये घूम रहे हैं एक्टिन और मायोसिन से, किससे, एक्टिन और मायोसिन के कारण दोस्त। ये दोनों ऐसी प्रोटीन है जो मांसपेशियों का निर्माण करती है और इससे ही गमनशीलता में सहायता मिल जाती है दोस्तों। आगे दिया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अब यानी ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो परिवहन में सहायक होता है, तो दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यह होता है, यह क्या है, यह पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, इसको हम बोलते हैं परिवहन प्रोटीन। साथियों देखिए अब आगे क्या है, आगे डिफेंस प्रोटीन है। डिफेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर हमको रोगों से बचाने वाली प्रोटीन। सो आप जानते होंगे इसमें लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट दोस्तों क्या होती है, यह भी प्रोटीन होती है और यह क्या करती है, डिफेंस का कार्य करती है। और इसके साथ साथ थ्रोम्बिन है, ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करेगी दोस्तों। थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, ये सभी डिफेंस होती है, ठीक है दोस्तों। कहेंगे ये सब क्या है, डिफेंस है। इंटरफेरॉन दोस्तों ये भी क्या होती है, यह भी डिफेंस प्रोटीन कहलाती है, समझ गया ना। अब देखिए यहां पर कहेंगे कि क्या होती है भंडारक प्रोटीन, तो इनको हम कहते हैं मक्के वाली जो जीन होती है, मक्के की जीन है या गेहूं की ग्लूटीन है, ये सब क्या होंगी दोस्तों, ये सभी कहलाती हैं कौन सी प्रोटीन, भंडारक प्रोटीन। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में, एंजाइमेटिक के बारे में, हार्मोन के बारे में, गमनशील प्रोटीन के बारे में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। वैसे भी जो आपका ये क्लास चल रहा है, इसका नाम भी रखा गया है बेसिक टू एडवांस, तो दोस्तों मेरा दायित्व यही है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाऊं यहां पर, ताकि आपको दोबारा कहीं पर जीएसपी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। यही सिद्धांत मानते हुए हम लोग आपको यहां पर अपना संपूर्ण देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आज हमने प्रोटीन पढ़ लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास ये समझ में आई होगी, इसको आप अच्छे से सुंदर तरीके से नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, ताकि वो नोट्स आपका जब तक आप तैयारी करें आपके काम आए, आपको कहीं से कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। साथियों बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर सोचते रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है, इसलिए आपको भी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में जहां पर हम फैट और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।